जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 19वां अध्याय सुना रही हूँ। हरे तोषक पुंस वन वर्त कहो नियम अनुसार, जाके श्रवण प्रभाव ते होत पात कंचार। सुने राजा परीक्षित कहने लगे, ब्राह्मण आपने जो पुंस वन वर्त कहा था उसकी विधि को मैं विस्तार पूर्वक आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष यानी अघन सुधि प्रतिपदा को स्त्री पति की आज्ञा लेकर सब मनोरथों को सिद्ध करने वाले इसे पुनस वन वर्त का आरंभ करे। पहले मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा सुने और फिर ब्राह्मणों की आज्ञा से स्नान करके तथा सफेद वस्त्र एवं आभूषण धारण करके सवेरे लक्ष्मी जी के साथ विष्णु भगवान का पूजन करें। पूजा के पहले विष्णु भगवान को प्रणाम करें और फिर लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। बाद में ओम नमः भगवताय महापुरुषाय आदि मंत्र से आह्वान पाद अर्घ आदि 16 उपचारों से भगवान का पूजन करें तथा इसी मंत्र से अग्नि में खीर की 12 आहुतियां दे। इस प्रकार भक्ति पूर्वक लक्ष्मी नारायण की प्रतिदिन पूजा करें और फिर पृथ्वी में डंडे की तरह गिरकर साष्टांग प्रणाम करके पूर्वोक्त मंत्र का 10 बार जप करके भगवान से प्रार्थना करें। हे लक्ष्मी जी तथा हे भगवान, आप दोनों तीनों लोकों को वर देने वाले हो, अतः मेरे मनोरथों को पूर्ण करिए। इस तरह से स्तुति करके और जल आचमनि दे कर पुनः पूजा करें। फिर भक्ति से स्तुति करके हवन से बची हुई खीर को सूंघ कर परम भक्ति से पति की सेवा करें। इस प्रकार सेवा करने से पति स्वयं ही स्त्री के ऊपर अनुकूल यानी प्रसन्न हो जाएगा। इस विष्णु भगवान के व्रत को किसी प्रकार से खंडित न होने दें। जब स्त्री को रजो धर्म हो जाए और वह उस अशुद्धि में इस व्रत को न कर सके तो उस अपवित्रता के समय में स्त्री के प्रतिनिधित्व में पति को यह सब काम करने चाहिए। स्त्री पुरुष में से कोई भी एक कर ले, दोनों को ही फल मिल जाएगा। ब्राह्मण और सौभाग्यवती ब्राह्मणियों का माला कंद चंदन दक्षिणा आदि से पूजन करें। इस तरह 12 महीने तक पूजा करती हुई लक्ष्मी नारायण की आराधना करती रहे और जब 12 मास व्यतीत हो जाए तब कार्तिक मास की अमावस्या को उपवास करें। फिर दूसरे दिन उस स्त्री का पति प्रातः काल होने पर स्नान करके पहले की तरह विष्णु भगवान का पूजन करके दूध में पकाई हुई घृतय मिश्रित खीर की 12 आहुतियाएं अग्नि में दे। ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करके और उसको प्रणाम करके और आचार्य को आगे कर मौन धारण करता हुआ नियम पूर्वक भाई बंधुओं के साथ भोजन करे और उन बची हुई खीर को पत्नी के लिए खाने को दें। हे राजन, इस प्रकार करने से मनुष्य अपने मनोरथों को प्राप्त करता है तथा स्त्री अखंड सौभाग्य तथा लक्ष्मी श्रेष्ठ संतान एवं कीर्ति को प्राप्त करती है। कन्या व्रत को करे तो उसे योग्य और सुंदर वर प्राप्त होता है। विधवा स्त्री इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करती है तथा जिस स्त्री की संतान यदि मर जाती है और वह इस व्रत को करे तो
उसकी संतान चरंजीवी हो, कुरूप स्त्री सब रूपवती होवे, जो मनुष्य देव कार्य तथा पितरों के कार्य में इसका पाठ करे तो देवता पितर अग्नि देव लक्ष्मी जी और हरि भगवान उनके सब मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। आज हमारा 19वां अध्याय और छठा स्कंद समाप्त हो गया है। कल हम 7वीं स्कंदी का पहला अध्याय सुनेंगे। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको इस चैनल पर सुख सागर और शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।